हेलो गाइस, तो इस समय मैं हूँ नजीबाबाद रोडवेज पर और अभी हमें सफ़र करना है नजीबाबाद से लेकर के धामपुर तक। और मेरे पास मास्क है, अभी मैं लगाया नहीं क्योंकि आसपास कोई था नहीं, इस वजह से मैंने लगाया नहीं है, लेकिन मैं आगे जाकर लगा लूँगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं तो आपको मास्क साथ में लेकर के चलना है, सैनिटाइजर साथ में रखना है, उसके बाद ही ट्रैवल करना है, वरना इस समय ट्रैवल करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए फिर धामपुर तक की कोई बस पकड़ते हैं, यूपी रोडवेज ही है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है ये, यहाँ से कोई बस पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं नजीबाबाद से धामपुर तक का सफ़र और सारी डिटेल्स आपको रास्ते में मिली जाएंगे। ये है वो धामपुर डिपो की बस जिसमें हम आज सफ़र करेंगे नजीबाबाद से लेकर के धामपुर तक। तो चलिए फिर इस सफ़र को शुरू करते हैं नजीबाबाद के रोडवेज स्टेशन से और देखते हैं रास्ते भर के सुंदर नज़ारे। रास्ते में आपको NH-74 पर जो वर्क हो रहा है उसके अपडेट्स भी। एग्जैक्ट 2 PM हमारी जो बस है वो नजीबाबाद से निकल चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है नजीबाबाद की कि इसके रोडवेज के सामने ही रेलवे स्टेशन है नजीबाबाद जंक्शन का, तो आपको कहीं भी बस पकड़ने में या फिर बस से ट्रेन पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस से उतरिए और ट्रेन पकड़ लीजिएगा और ट्रेन से उतरिएगा बस पकड़ लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बनाया गया है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं होती हैं, उनको पब्लिक व्हीकल्स पर ही रिलाई करना पड़ता है, लाइक रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, लाइक जो अपना UP अथॉरिटी श्री है। रेलवे स्टेशन पार करते ही एक फ्लाईओवर पड़ता है जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप अगर इस फ्लाईओवर को देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको जो मुरादाबादी कनेक्टिविटी है और इस तरफ कोटद्वारे कनेक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलती है रेल की पटरियों के ऊपर से। दैट्स अ ग्रेट थिंग क्योंकि यहाँ पर इसकी सुंदरता काफ़ी अनोखी है। और ये सामने आपको बस दिख रही है नजीबाबाद नगीना वाली प्राइवेट बस जिसमें हमने सफ़र किया हुआ है, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अब NH-74 पर नगीना की तरफ, क्योंकि नगीना होते हुए ही बस धामपुर जाती है, पहले कोतवाली नगीना उसके बाद बस धामपुर तक पहुंचती है। ₹43 किलोमीटर्स का जो सफ़र है हमारा वो ₹51 में होने वाला है, बट फिलहाल ₹7 बढ़ चुके हैं और UPSRTC का जो ऑफिशियल टिकट है उसमें अभी तक ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो फिलहाल टिकट हमें ₹58 का पड़ा है। और रोड आप देख सकते हैं NH-74 लगभग कंप्लीट हो चुका है, उस पर जो बसेस वगैरह हैं और व्हीकल्स हैं वो ऑपरेट होना शुरू हो चुके हैं, स्पीड भी अब काफ़ी मस्त होने वाली है। फिलहाल तो बस अभी निकली है नजीबाबाद से तो 47, 48, 55 इस टाइप की जो स्पीड है वो मेंटेन किए हुए है, बट यहाँ पर बसें 70+ भी दौड़ती हैं जिसमें मैंने सफ़र किया हुआ है। अब देखते हैं हमारी ये बस कितनी टॉप स्पीड अचीव कर पाती है। बाद पहुंच चुके हैं और ये सामने जो आपको रोड दिख रही है ये है किरतपुर वाली रोड जो नगीना से आती है। और बहुत जल्दी मैं आपको इस पर भी सफ़र करके दिखाऊंगा, नगीना टू किरतपुर प्राइवेट बस जर्नी, और बहुत ही जल्दी आपको ये जर्नी भी मिलने वाली है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं नेहटोर की जर्नी के लिए भी, तो नेहटोर की भी प्राइवेट बस की जर्नी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी हमारे चैनल पर। अब जल्दी निकलते हैं अकबराबाद से और देखते हैं रास्ते भर का सफ़र।
अब हम आ चुके हैं कोतवाली। कोतवाली क्या है कि बिजनौर का एक बड़ा विकास खंड है और यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट बन जाता है। सामने जो रोड है जहाँ से ये ट्रक अभी फ़िलहाल आ रहा है, ये रोड सीधे अगर हम पहुँचते हैं तो निकल जाती है बिजनौर, मेरठ एंड उसके बाद दिल्ली, और ये सीधे इस तरफ हम पहुँच जाते हैं नगीना। और साइड की तरफ जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और एक जंक्शन पॉइंट और है, वो पहुंच जाती है रोड नूरपुर, और जो मुरादाबाद से बसें जाती हैं देहरादून हरिद्वार के लिए वाया नूरपुर, उन सभी का आना जाना इसी रोड के थ्रू होता है। तो चलिए अब हम निकलते हैं कोतवाली से नगीना की तरफ, क्योंकि हमारा जो रूट है वो वाया नगीना है धामपुर के लिए। और यह है हमारा नगीना रेलवे स्टेशन का फाटक, और यहाँ पर हम आते ही पहुँच जाते हैं नगीना के अंदर। हमारी एंट्री हो चुकी है नगीना, और सामने आप गेट पर लिखा हुआ देख सकते हैं वेलकम टू नगीना। तो इसके बाद हम धामपुर के लिए निकलना है, और अभी यहाँ से नगीना एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नगीना बिजनौर ज़िले की तहसील है, नजीबाबाद भी तहसील थी और धामपुर भी तहसील है, तो यानी कि हम तीन तीन तहसील के थ्रू गुजर रहे हैं इस समय। नगीना को क्राफ्ट शिल्प नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यहाँ को इसको हम वुड क्राफ्ट सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, उसी प्रकार से नगीना के अंदर लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर लकड़ी के काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और दूर दूर तक यहाँ से जो लकड़ी के प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं, और यहाँ की बहुत चीज़ें फेमस हैं लाइक तुलाराम के रसगुल्ले, जो कि आसपास के एरिए में इवन यहाँ से बहुत दूर तक भी फेमस हैं। तुलाराम के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, उसका हमने ब्लॉग किया हुआ है, एक सिंपल ब्लॉग था, लेकिन अभी हाल ही में हम एक और ज़बरदस्त ब्लॉग और करेंगे उनका, ताकि आप उनको अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ की दो चीज़ ज़रूर लेना मत भूलिएगा, लाइक पहली चीज़ तुलाराम के रसगुल्ले हैं, और दूसरा यहाँ के बने हुए लकड़ी के प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये है नगीना का एक और फेवरेट स्पॉट, जी हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर और रामलीला ग्राउंड। दशहरा के दिन यहाँ पर इतना तगड़ा मेला लगता है कि जिस रोड पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं ये रोड जाम हो जाती है दशहरा के दिन, और यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होता है। बिजनौर धामपुर से लेकर के और बिजनौर वाले जो बसें हैं वो डायरेक्ट निकल जाती हैं, धामपुर से नजीबाबाद वाली भी वाया नहटौर निकल जाती हैं, और इस रोड को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी। जी हाँ, प्रशासन भी इस रोड को बंद कर देता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अभी फ़िलहाल हम नगीना के जो बाईपास है उसके ऊपर आ चुके हैं, ये पूरा कंप्लीट बाईपास नगीना को बाईपास करता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने वाहन से आ रहे हैं वो नगीना में एंट्री करना नहीं चाहते तो वो डायरेक्ट यहाँ से निकल सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर बचने वाला है।
अब हम पहुंच चुके हैं बहुत ही शानदार रोड पर। जी हाँ, NH-74 का लगभग धामपुर से नगीने का जो सेक्शन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आराम से सारे सेक्शन से वो ओपन हो चुके हैं। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आप शॉक हो जाओगे और जो टिकट बढ़ने का मेन रीज़न है वो भी आपको पता रहेगा। जी हाँ, सामने अब आपको दिख रहा होगा टोल प्लाजा। जी हाँ, ये ओपन हो चुका है और इसी वजह से जो +7 लिखा गया था हमारे टिकट के आगे उसका मेन रीज़न यही है कि अब हमें यहाँ पर टोल देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप अभी सफ़र कर रहे हैं हरिद्वार के लिए इस रोड पर तो आपको यहाँ पर टोल टैक्स पे करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी फ़िलहाल ये पार्किंग में है। और ये मेरा पहला सफ़र है किसी भी बस वगैरह में जब मैं यहाँ पर इसको टोल को ओपन होने के बाद में पहली बार सफ़र कर रहा हूँ। भाई 3:13 पर हम अराइव हो चुके हैं फाइनली। तो रास्ते में यार पुरानी वाला जो टोल टैक्स था मैंने फर्स्ट टाइम ओपन देखा है, इससे पहले मैंने वो कभी ओपन देखा ही नहीं था। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लगा और इसी वजह से किराया बढ़ गया 7 रुपये। मतलब 7 रुपये हाँ उसने इंक्रीज कर दिए थे, 51 रुपये का टिकट था 43 किलोमीटर का और 3:13 पर आए हैं, 1 घंटा 13 मिनट लगा है। रास्ते में रोड काफ़ी सही हो गई है, बाईपास नगीना वाला भी और धामपुर वाला भी दोनों कम्प्लीटली बन चुके हैं और दोनों कम्प्लीटली रन कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही। बाकी ये हमारा पूरा ब्लॉग था धामपुर तक का, वो भी वाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे आपको ब्लॉग चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ब्लॉग्स पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।